हे ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर लाइफ्स। तो आज जो मैं आपके लेके आई हूँ वीडियो, उसमें मैं लेके आई हूँ कुछ टिप्स और ऐसे हैक्स जो कि आपके किचन और होम से रिलेटेड है और जिनकी हेल्प से आप अपना काफ़ी सारा टाइम जो है और मनी जो है वो सेव कर सकते हो। तो चलिए फिर विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हमारे पास अपने घर में हम सबके पास इस तरह के ग्रेटर होते हैं, तो जिनमें ना कुछ फंस जाता है। और ये वाला छोटा वाला पार्ट तो ना ये कभी साफ ही नहीं होता है। इसको हम अगर स्टील वूल से करें तो वो तो बिल्कुल, इसमें ही स्टील वूल भी ख़राब हो जाता है और हमारा स्पॉन्ज जो होता है वो भी ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए हैक ये है कि हमें अपना टूथपेस्ट लेना है। आप कोई भी टूथपेस्ट ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है रेड वाला ही लेना है, वाइट, रेड, ब्लू कोई भी टूथपेस्ट है वो ले सकते हो। और उसको जस्ट आपके उसको इसके ऊपर स्प्रेड कर देना है एंड देन उस पर नमक डालना है और बस इसको थोड़ी देर के लिए हमें स्प्रेड करके जो है वो अच्छे से रख देना है, राउंड अबाउट 5 to 10 minutes। उसके बाद आपको इसमें थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करना है और अपने टूथब्रश की हेल्प से जो है इसको अच्छे से क्लीन करना शुरू कर देना है। आपने देखा होगा कि कितना पीला पीला सा जो है वो हो जाता है, उसमें जम जाता है। और क्योंकि हम एक्चुअली में क्या होता है ना, डीप क्लीनिंग हम रोज़ नहीं कर सकते हैं किसी भी चीज़ की, हम तो नॉर्मल जो से वॉश करते हैं यूटेंसिल्स को वैसे ही वॉश करते हैं। तो देखिए अच्छे से स्प्रे वो साफ़ करने के बाद, अब धोने के बाद ये बिल्कुल क्लियर हो गया है। अभी भी इसमें पीलापन है लेकिन हाँ, ये कुछ दिनों के बाद मतलब लाइक अगर हम 2-3 times इसको साफ़ करेंगे अच्छे से तो ये पूरा क्लीन हो जाएगा और आपका जो ये है बिल्कुल क्लीन रहेगा। तो नेक्स्ट स्टेप जो है डैट इज़, आप अगर मलाई इकट्ठी करते हो, देखो अगर इफ़ यू आर नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ मलाई, अगर आप नहीं खाते हो रेगुलर बेसिस पे तो आप इकट्ठी करते होंगे, जाहिर सी बात है। तो इकट्ठा जो करना है ना, अगर आप गर्मी वाली जगह पे रहते हो तो फ्रिज में भी, मैंने देखा है अगर हम फ्रिज में रखते हैं नॉर्मल तो वहाँ पे भी मलाई में स्मेल आना शुरू हो जाती है क्रीम में। तो उसके लिए मेरे पास ये है कि मैं इसको हमेशा ना अपने फ्रीज़र में रखती हूँ और फ्रीज़र में इसमें कोई स्मेल नहीं आती और ये बहुत लॉन्ग टाइम तक भी अगर हमें रखना पड़े तो ये ठीक रहता है। उसके बाद अगर आप फ्रीज़र में रखते हो ना तो इसको जो है मतलब आपको अगर इसका मक्खन बनाते हो या आप घी बनाते हो तो उसमें जब हम फेंटते हैं इसको अच्छी तरह से तो बटर निकालने के लिए, तो उसको करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, वो बहुत ही हार्डली 5 minutes लगते हैं इसको। बस आपको 5 minutes जो है वो अच्छे से इसको जो है मिक्स करना है और आपका बटर जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाता है। उसके बाद मैं यहाँ पे प्रेफर करती हूँ घी बनाना, तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई में मैंने यहाँ पे बटर जो है वो निकाल के डाल दिया है। उसके बाद इसको आपको सिम पे जो है वो रख देना है और उसके बाद जब तक घी नहीं छोड़ देता ये बटर, तब तक इसको आपको पकाना है। मुझे ना घी में एक अलग सी स्मेल सी आती है, पता नहीं आप लोगों को आती है कि नहीं, आप मुझे बताना अगर आप लोगों को भी आती है। तो उसके लिए हैक ये है कि इसमें आप थोड़ा सा मेथी दाना जो है वो डाल के इसको अच्छे से पकने दो और फिर उसके बाद इस तरह से हमारा जो है घी अलग हो जाएगा। और मैंने यहाँ पर ये एक मेरा पुराना छलनी था उसको जो है वो रखा है, वो टूट गया था तो उसको रखा है और उसके बाद मैं इसको सारे को इसमें जो है वो छान लूँगी। और अब देखिए हमारा घर पे ही कितना अच्छा घी जो है वो तैयार हो गया है। और आप अगर घर पे बना सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, जो घर का बना हुआ घी ना वो बहुत अच्छा होता है। मॉर्निंग में या फिर जब कोई घर पे आया हो तो हम जल्दी जल्दी में ना बहुत सारा काम ऐसा कर देते हैं कि मतलब बस जल्दी जल्दी हो जाए, हमें उस वक्त कुछ सदबुद्ध नहीं रहती है एक्चुअली में। तो उस केस में क्या होता है, हम पीलिंग वगैरह चीज़ें वहीं पर रख देते हैं तो वो उससे स्लैब पूरा गंदा हो जाता है और पूरा मेस हो जाता है। तो उसके लिए हैक ये है कि जिस तरह से हमारा कोई पुराना, हमारे पास डब्बा पड़ा है कोई पुराना, तो उसको हम ले सकते हैं और उसमें अपना जो शॉपिंग बैग होते हैं उसको वहाँ पे रख सकते हैं और उसको आप अपने साथ स्लैब पे ही रख लीजिए। और जो भी आपको पीलिंग करनी है, जो भी आपको कोई भी इसमें कोई भी सब्जी वगैरह का जो पील है वो आप इसमें आराम से डाल सकते हो। और उसके बाद जस्ट आपको बैग को निकालना है और उसको डस्टबिन में थ्रो कर देना है और आपका स्लैब देखिए बिल्कुल क्लीन रहेगा, आपको वो बिल्कुल मेसी नहीं होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट हैक की तरफ। तो जो मेरा मंदिर है ना, वहाँ पे मैंने सब चीज़ें जो है वो अपनी अलग अलग बॉक्सेस में डाली हुई थी, जैसे छोटे छोटे बॉक्सेस में, एक में कपूर था, एक में जोते थी, एक में टिक्का था, अलग अलग टिक्का वगैरह या हल्दी भी यूज़ करते हो आप लोग तो अलग अलग उसमें डाले हुए थे। तो मैं जब अपने फ्रेंड के घर कीर्तन पर गई थी ना तो मुझे वहाँ पर एक्चुअली में ये दिखा था कि इस तरह से भी हम रख सकते हैं, तो जहाँ से भी नॉलेज मिले ना वो ले लेनी चाहिए और शेयर कर लेनी चाहिए। तो अब मेरे पास ये मसाला, देखिए मसाला बॉक्स ना पहले का पड़ा हुआ था लेकिन मुझे कभी उसका यूज़ करने का समझ ही नहीं आया कि मैं उसको और भी तरीके से यूज़ कर सकती हूँ और इसका ये यूज़ यहाँ पे ये बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। देखिए मैंने एक सेक्शन में जो है वो मैंने कपूर डाल लिया है, एक सेक्शन में हल्दी डाल ली है, एक में टीका डाल लिया है, एक में धूप बत्ती डाल ली है, एक में जोते डाली, तो इस तरह
तरह से क्या है कि जब मैं पूजा करने बैठ रही हूँ या आरती करने के लिए अपनी थाली जो है वो सजा रही हूँ, तो उस वक्त मुझे सारे बॉक्सेज जो है वो अलग अलग नहीं लेने पड़ रहे हैं, मैं एक ही बॉक्स ले रही हूँ और मेरा सारा काम जो है वो सॉर्ट आउट हो जा रहा है। तो इस तरह से हुआ ये कि मेरा जो मसाला बॉक्स जो ऐसे ही भरा था वो यूज़ भी हो गया, और सेकेंडली कि जो मेरा पूरा जो मंदिर वाला सेटअप था वो पूरा ऑर्गेनाइज भी हो गया, और मेरा जो टाइम भी है वहाँ पे सेव हो रहा है, मुझे अलग अलग बॉक्सेज जो है वो खोलने नहीं पड़ रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट हैक की तरफ। तो यहाँ पे मेरे पास ना ये पिलो है जो कि इसका पिलो कवर जो है वो बहुत लंबा है, तो मैंने यहाँ पे जो है, और कई बार ऐसा होता है ना कि जब कोई आने वाला होता है या आपके पास टाइम नहीं होता है कि उसको आप सिल सकें, तो जल्दी जल्दी में आपको और लेकिन लगाना वही वाला पिलो कवर है, तो उस केस में आपको करना ये है कि आपको इसको इस तरह से ऊपर की तरफ करना है, ऊपर वाले पार्ट को, एंड देन नीचे वाले को आपको पहले अंदर जो है वो टक कर देना है, अंदर वाली साइड। देन उसके बाद आप ऊपर वाले जो आपका फोल्ड था उसको अच्छे से अंदर की तरफ फोल्ड कर दीजिए, और देखिए अब आपका ये बिल्कुल भी जो है वो पिलो बाहर नहीं निकलेगा, मतलब हाँ जब तक आप खुद नहीं निकालोगे तब तक नहीं निकलेगा, और ये इस तरह से बिना सिले हुए एक अच्छा सा लुक जो है इसमें आ गया, ऐसा लग रहा है जैसे सिला ही हुआ है हमने। सो द नेक्स्ट वन इज़ कि कभी कभार ना हमारे पास रबर बैंड्स की कमी हो जाती है, वो नहीं होते हैं, तो उस केस में आप ब्रेड को जो है वो सिक्योर करने के लिए उसको दो तीन बार रोटेट कीजिए, और उसके बाद उसके कवर को नीचे की तरफ ड्रैग कर लीजिए, और ये इट्स रेडी। आप देखिए ये बिल्कुल सिक्योर हो गया है और फ्रिज में भी जो है वो ज़्यादा मेस नहीं क्रिएट करता है। तो होप आपको आज का जो वीडियो है, आज के जो टिप्स हैं और हैक्स हैं वो पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन से पसंद आया, और नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो है डैट इज़ रिलेटेड टू दिवाली डेकोर, जो कि हम घर पे ही बड़े सामान से कितना ईजीली तरीके से जो है, ईजी अगर मैं बोली तो सच में बहुत ईजी है। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।